हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना वली रहमानी और एक शॉर्ट क्विक वीडियो आपके लिए बना रहा हूं मैं। आज देश का सबसे चर्चित मुद्दा जो है वो ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को क्विट किया, कांग्रेस को छोड़ दिया। पर उससे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस क्विट करने के बाद बीजेपी ज्वाइन किया और सारे लोग जो देश में है वो शॉक्ड है, वो परेशान है, कह रहे ये कैसे हो गया। ये तो कांग्रेस का चमकता हुआ चेहरा था, कांग्रेस का राइजिंग फेस था, कांग्रेस का एक उभरता हुआ नेता था, वो नेता जो कांग्रेस कभी नहीं छोड़ सकता, वो तो कांग्रेस का एक स्पोक्स पर्सन था, कांग्रेस की आइडिया में बिलीव करता था, द आइडिया ऑफ इंडिया में बिलीव करता था, ये कैसे कांग्रेस छोड़ सकता है। और अगर कांग्रेस छोड़ भी दी तो बीजेपी कैसे ज्वाइन कर सकता है। तो आपको मैं बता दूं, मैं 1% भी शॉक्ड नहीं हूं, मैं 1% भी अचंभित नहीं हूं, क्योंकि जैसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया इलेक्शन हारते हैं, 2019 का लोकसभा इलेक्शन जैसे ही वो हारते हैं, मुझे उसी दिन समझ में आ गया था कि बहुत जल्दी बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। अब ऐसा कैसे समझ में आ गया था मुझे, आपको मैं बता दूं, अगर आपको आज का प्रेजेंट जानना है तो आपको थोड़ा इतिहास भी जानना होगा। जो इंसान इतिहास की टाइमलाइन को फॉलो करता हुआ आएगा तो आज का प्रेजेंट वो प्रेडिक्ट कर पाएगा। तो इतिहास के टाइमलाइन में अगर हम पीछे जाएं तो हमें दिखता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो आज किया है वही एग्जैक्टली सेम चीज इनकी दादी ने, इनके परदादाओं ने किया था। वो क्या किया था अब मैं बताऊं आपको। जब पहली जंगे बगावत हुई, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जब अंग्रेजों के खिलाफ पहली जंग हिंदुस्तानियों ने की, भारतीयों ने की 1857 में, तो उस वक्त रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रही थी। जब रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रही थी तो अंग्रेजों का साथ ये सिंधिया दे रहे थे। अब आप बोलेंगे तुम झूठ बोल रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। बिपिन चंद्रा की हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया किताब मेरे हाथ में है, इसका पेज नंबर 152 मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। 152 में क्या लिखा है, रानी के बारे में कहते हैं, शी कैप्चर्ड ग्वालियर विद द हेल्प ऑफ टांटिया टोप एंड ट्रस्टेड एंड हर ट्रस्टेड अफगान गार्ड्स। महाराजा ऑफ सिंधिया लॉयल टू द ब्रिटिश मेड एन अटेम्प्ट टू फाइट रानी बट मोस्ट ऑफ हिज ट्रूप डिजर्टेड टू हर। यानी ये कि जब रानी लड़ रही थी अंग्रेजों से तो महाराजा अंग्रेजों की तरफ से रानी के खिलाफ लड़ रहे थे। अब आप बोलेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये जो बिपिन चंद्रा है ये तो वामपंथी ऑथर है, इसकी बात क्यों सुनना, ये झूठ कह रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, सिंधिया जो थे वो सपोर्ट नहीं कर सकते कभी ब्रिटिश को। तो ठीक है, बिपिन चंद्रा जो है लेफ्टिस्ट ऑथर मान लेते हैं और इनको मान लेते हैं कि झूठ लिख दिया इन्होंने इतिहास की किताब में, तो कम से कम आप इनकी लिखी हुई किताब में तो बिलीव करेंगे। वीर सावरकर की लिखी हुई किताब है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये वीर सावरकर की लिखी हुई किताब है। इस किताब के पेज नंबर 441 में, 441 पेज नंबर, अगर आप इसको ऑनलाइन खरीद सकते हैं, किताब नंबर 441 में क्या लिखा है, लिखा हुआ है यहां पर, इन स्पाइट ऑफ बैरननेस ऑफ द कंट्री अराउंड इंग्लिश अप्रोच झांसी, द इंग्लिश अप्रोच झांसी फॉर थैंक्स टू द लॉयल्टी ऑफ सिंधिया एंड राजा ऑफ तेहरी द फोर्सेस वॉज थ्रू आउट द ऑपरेशन एंड अबंडेंटली सप्लाइड विद ग्रास फायरवुड एंड वेजिटेबल्स। अब मेन बात है, एंड द सिंधिया एज द सिंधिया एंड द राजा ऑफ तेहरी आर हेल्पिंग द फिरंगीज सराउंडेड एज यू आर बाय ट्रेचरी एंड डिसलॉयल्टी बिट्रेड बाय रिलेशंस एज बाय स्ट्रेंजर्स यू हैव नॉट द स्लाइटेस्ट ऑफ होप ऑफ सक्सेस। वो लिखते हैं कि जब रानी लड़ रही थी अंग्रेजों के खिलाफ तो सिंधिया और राजा ऑफ तेहरी अंग्रेजों को सपोर्ट कर रहे थे, जब ऐसे वक्त में आपके अपने अंग्रेजों को सपोर्ट करे तो वही टूट जाते हैं, वही हार जाते हैं। वीर सावरकर भी लिखते हैं इनके बारे में, राजा ऑफ सिंधिया के बारे में, जो कि परदादा हैं हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में। और उसके बाद क्या होता है, देखिए 1967 में जब जनसंघ बना तो जो ये हमारी विजया राजे सिंधिया हैं, जिनकी दादी हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की, ये उस वक्त कांग्रेस में थी, ये कांग्रेस छोड़कर जनसंघ ज्वाइन करती हैं और उस वक्त के जो सीएम थे वहां कर डीपी मिश्रा, उनको सत्ता से गिराने के लिए कांग्रेस के सीएम को ये जनसंघ ज्वाइन करती हैं और मध्य प्रदेश से कांग्रेस की सरकार गिराने में मदद करती हैं। और वही एग्जैक्टली आज ज्योतिरादित्य सिंधिया करते हैं जो 1857 में इनके परदादा, 1967 में इनके इनकी दादी, और आज वो एग्जैक्टली वही चीज करते हैं जो सालों से इनकी परिवार करते आ रही है, वो ये है कि धोखा देना और पीठ में छुरा भोंकना और देश के संविधान का फिक्र ना करना, देश के गरीबों का फिक्र ना करना, देश की आर्थिक स्थिति का फिक्र ना करना, और वही करना जो इनके
पुरखे करते हुए आ रहे हैं, इनके एंसेस्टर्स करते हुए आ रहे हैं, तो आपको चौंकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और पर एक बात तो चौंकने की जरूरत है, वो ये है कि ये ज्योतिरादित्य सिंधिया का ट्विटर अकाउंट है, अगर आपको दिख रहा है तो इन्होंने एक ट्वीट किया था 26 फरवरी 2020, सिर्फ एक महीने पहले। ये लिखते हैं, द बीजेपी इंडिया द बीजेपी लीडर्स हैव गॉट टू स्टॉप स्प्रेडिंग द पॉलिटिक्स ऑफ हेट, नीड बोथ द गवर्नमेंट्स टू वर्क टूगेदर एंड पुट एन एंड टू दिस बिफोर इट्स टू लेट। ये कहते हैं कि बीजेपी को नफरत की राजनीति करना रोकना होगा, और आज उसी बीजेपी में जाकर घुस जाते हैं। तो चौंकिए मत, ये भारत है, ये पॉलिटिक्स है। जावेद अख्तर ने बहुत सही कहा कि पॉलिटिक्स इज नॉट लैंडस्केप, इट इज क्लाउडस्केप, या हर पल कुछ भी हो सकता है। पर इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि ये लोग एक्सपोज हो जाएं, और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि आदित्य भैया भी देख ले, हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया भैया भी देख ले, और समझ पाए कि देश की जनता जाग चुकी है, और अब इनकी गंदी राजनीति को, सत्ता हासिल करने वाली राजनीति को हम ठुकराते हैं, अपने पैरों से लात मारकर कहते हैं कि वी आर हियर टू सेव द आइडिया ऑफ इंडिया। तो ये लोग सत्ता और पावर के लिए हैं, इन जनता से कोई फर्क नहीं। इस वीडियो को शेयर करें आप, और इतना शेयर करें कि ये बीजेपी वाले भी देखें कि वीर सावरकर जी ने भी इनके परिवार के खिलाफ जो है और इनके एंसेस्टर्स के खिलाफ लिखा है। तो अगर ये वीर सावरकर को सपोर्ट करते हैं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को सपोर्ट करना बंद करें और बीजेपी को सपोर्ट करना बंद करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि वीडियो को शेयर करेंगे आप और आगे लोगों तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।